सोलन नगर परिषद शहरवासियों को काफी समय से ये आह्वान कर रही है कि घरों से निकलने वाले गीले और सूखे कूड़े को पृथक रखें, लेकिन अभी तक नगरवासियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसके चलते नगर परिषद को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि कूड़े को एकत्र कर उसे कर्मचारियों के सहयोग से पृथक किया जा रहा है, जिसमें समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। इस बात की जानकारी नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार ने मीडिया को दी। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि वे नगर परिषद द्वारा चलाई गई इस मुहिम में साथ दें और सोलन को स्वच्छ बनाएं। नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार ने बताया कि नगर परिषद ने सन 2018 में घर घर से कूड़ा उठाने की मुहिम चलाई थी। लोगों को गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग रखने का भी आग्रह किया था, जिसके लिए नगर परिषद ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से शहरवासियों को जागरूक करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन सोलन की जनता कूड़े को लेकर अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि अगर सोलन की जनता उनकी इस मुहिम में साथ दे तो नगर परिषद एक वर्ष में करीबन 1 करोड़ रुपए बचा सकती है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार उन्हें कूड़ा घरों से पृथक मिलना चाहिए, अन्यथा इसमें जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। गीले और सूखे जो हमारा कचरा है, इसके बारे में हमने कई बार जनता से आह्वान किया, पॉम्पलेट से पाया, अखबारों में दिया, टीवी में दिया, और काफ़ी समय से ये हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट चला हुआ है जनता के बीच में। मैं ये चाहता हूँ कि जितना सुंदर शहर सोलन हमारा है, प्रकृति ने जिस प्रकार की सुंदरता इस शहर को दी है, उसको बरकरार रखने के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए और लोगों की सुविधा के लिए, और नगर परिषद का भी अपना खर्चा कम करने के लिए, यदि जनता साथ दे सिविक सेंस का पालन करते हुए, सेग्रीगेटेड कूड़ा सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग हमें दें, तो हम उसका डिस्पोजल उस तरीके से साइंटिफिकली कर सकते हैं। इससे हमारे ऊपर लगभग साल का 1 करोड़ का आर्थिक बोझ कम हो सकता है, यदि लोग इसमें सहयोग करें, और वो 1 करोड़ रुपया जो हम बचाव करेंगे लोगों के सहूलियत के लिए हम विकास कार्यों पर खर्च कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इसके लिए हम आगे रणनीति भी बना रहे हैं, आप लोगों के सहयोग से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और पत्र का अखबारों के माध्यम से हम इस चीज़ को लोगों के बीच में रखेंगे, ताकि लोगों का सहयोग प्राप्त किया जा सके। हमारे जो कूड़ा निष्पादन के लिए, डोर टू डोर कलेक्शन के लिए वर्ष 2018 में उप विधियाँ जो लागू की गई हैं सरकार की ओर से, उसमें यदि कोई नागरिक या कोई गार्बेज कलेक्टर इस प्रकार का गार्बेज जो वेस्ट जो जनरेटर है इस प्रकार की उल्लंघना करता, तो विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत उसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया है, और हम उसको केस भी चला सकते हैं, और इसका और जो भी प्रक्रिया हम कानून के दायरे में उसको अपना सकते हैं।